हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टाइमली बेसिस पर जो भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट वगैरह आती है वो भी आपको टाइमली बेसिस पर मिलती रहती है। इसके अलावा गाइस, बहुत सारी रिसर्च करके आप लोगों को और भी जो वेरियस IITs है उनके प्लेसमेंट वगैरह का डाटा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, जिससे गाइस आप लोगों को हर एक चीज़ आपके करियर से रिलेटेड पता हो। गाइस, आप सबको पता है, गेट स्कोर अगर हमारे पास एक बार आ गया तो उसके बाद भी बहुत सारा स्ट्रगल होता है। PSU रिक्रूटमेंट में जाना है या फिर उसके अलावा आपको IITs में MTech करना है, अगर MTech करना है तो कौन से कोर्स में करना है, तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। अगर हमें हर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का पहले से पता हो तो जैसे ही हमारे हाथ में गेट स्कोर कार्ड आएगा, डेफिनेटली हमें एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सा जो कोर्स है वो चूज करना चाहिए और उसी को हम माइंड सेट में रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे IITs में RTI भी लगाए हैं और फाइनली हम कुछ IITs से RTI का रिस्पॉन्स हमें मिल भी रहा है, कुछ IITs से अभी भी नहीं मिला है। तो डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं अगेन एंड अगेन कि आपको वो डाटा भी मिल जाए। तो जैसे भी वो डाटा आएगा, आपको IIT वाइज सारे डाटा मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कई बच्चों के एक्सपेक्टेशन होंगे कि सर IIT खड़गपुर का दीजिए, IIT बॉम्बे का दीजिए, तो वो भी बहुत ही जल्दी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, IIT इंदौर का जो है हमारे पास ऑफिशियल रिप्लाई आ चुका है। और यहाँ पर हमने इनसे सवाल पूछा था कि MTech और मास्टर्स ऑफ साइंस रिसर्च जो होता है उसका 2023-24 जो अभी करंट सीजन था, लेटेस्ट सीजन था, उसके हिसाब से क्या हाईएस्ट, लोवेस्ट, मीडियम और एवरेज पैकेज रहे थे, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने इनसे पूछी थी। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कई बार हम लोग गूगल पे जाके चेक करते हैं या फिर कई और सोर्सेज से चेक करते हैं तो डेफिनेटली उस पर जो डाटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, लेटेस्ट डाटा नहीं होता है। दैट्स वाई कई सारे स्टूडेंट उसी के बेस पे, उस डाटा के बेस पे ही डिसीजन ले लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग मेथड है। बाद में आपको रियलाइज होता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। तो ये जो है ये लेटेस्ट डाटा है और करंट डाटा के हिसाब से है, इसी सीजन के हिसाब से, तो आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर आइडिया मिल पाएगा कि किस ब्रांच का कितना प्लेसमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर MTech जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो CSP में यहाँ पर आपका कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखोगे 37 के समथिंग गया है, मीडियन पैकेज यहाँ पर 14.25 के आसपास गया है, एवरेज CTC इस पर्टिकुलर MTech कोर्स में 18.88 गई है और लोवेस्ट CTC जो इस कोर्स में गई है वो 10 के आसपास गई है। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर VLSI डिजाइन वाला कोर्स देखेंगे, MTech EIN VDN, तो यहाँ पर 39.27, यहाँ पर देखोगे 39.27 हाईएस्ट, मीडियन 25.64, एवरेज CTC 25.64 और लोवेस्ट CTC 12 के आसपास गया है। अगर आप MTech जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट PIE और AM जो है वो कोर्स ऑफर करता है, उसमें हाईएस्ट CTC 10 गई है, मीडियन 9.82 गई है और यहाँ पर अगर आप एवरेज देखोगे 9.93 और लोवेस्ट CTC 9.63 के आसपास गई है। ऐसे ही MTech जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट MSD में करता है डिजाइन में, आप सबको बताया, तो 33 यहाँ पर हाईएस्ट CTC गई है, इसीलिए ज़्यादातर जो MTech के बच्चे होते हैं वो डिज़ाइन लेने की कोशिश करते हैं मैकेनिकल में। मीडियन CTC 10 गई है, एवरेज 13.2 और लोवेस्ट CTC 6.25 के आसपास गई है। MTech अगर आप TES में देखेंगे, थर्मल डिपार्टमेंट, थर्मल वाली कैटेगरी में, तो यहाँ पे हाईएस्ट 10 गया है, मीडियन 9.5, एवरेज CTC 9.5 और लोवेस्ट CTC 9। तो गाइज, अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे प्लेसमेंट जो है कंप्लीट हो गए हैं IITs के अंदर। अभी भी अगर हमने कई सारे IITs में जब RTI लिपले लगाए तो उन्होंने बोला कि अभी भी सीजन चल रहा है, अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो बच्चे अनप्लेस हैं उनको और प्लेसमेंट दे दें, तो इसलिए उन्होंने अभी डाटा देने से मना भी कर दिया, लेकिन हम लोग फिर ट्राई करेंगे उनसे कि वो डाटा कलेक्ट कर लें। तो MTech जो है उसका प्लेसमेंट थ्रू आउट द अगर आप देखोगे 5-6 महीने चलता रहता है, और इसमें से ये जो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब ये RTI रिप्लाई आएगा इसके बाद भी अगर कुछ बच्चों का और प्लेसमेंट हो गया होगा तो उस हिसाब से ये डाटा मॉडिफाई भी हो जाता है। बट ये डाटा से आपको एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि किस रेंज में किस ब्रांच का प्लेसमेंट जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें और ये जो डाटा है ये भी आपका ऑथेंटिक RTI रिप्लाई से, तो डेफिनेटली IIT इंदौर के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है, तो हम यहाँ से काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। MSc के अंदर MTech देखोगे तो गाइस 6-6 के आसपास ही यहाँ पे पैकेज गए हैं, MEMS ME में अगर आप देखोगे 12 के आसपास यहाँ पर पैकेज गया है। ऐसे ही आप EV देखेंगे इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज के कैटेगरी में, अगर आप 10 देखोगे 8.75, 8.75 और 7.5 के आसपास गया है। कुछ ब्रांच ऐसी है जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है, और गाइस कुछ ब्रांच का डाटा इन्होंने दिया भी नहीं है, जैसे कुछ बच्चे होंगे सिविल वाले वो परेशान होंगे कि सर यहाँ पर हमारा नहीं है या कुछ कोर्स का डाटा नहीं है, तो गाइज ये अभी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। जैसे ही वो प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली आपको वो डाटा भी एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रख सकते हैं, तो वहाँ पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है। और कई सारे बच्चे ऑलरेडी IITs में मास्टर्स वगैरह कर रहे होते हैं तो वो भी रेगुलर डिस्कशन कर रहे होते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पर MTech अगर आप CSE में देखें, कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं, 36.39 के आसपास यहाँ पर पैकेज गया है। ऐसे ही यहाँ पर मीडियन अगर आप देखोगे 20.5 आपको दिख रहा है, एवरेज भी अगर
आप यहाँ पर देखोगे तो 21 के आसपास दिख रहा है, और लोवेस्ट भी यहाँ पे आप 11 देख रहे हैं। तो यहाँ पर हाइएस्ट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस और VLSI में VLSI का पैकेज जो है काफ़ी बेटर रहा है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया है VLSI का, इवन IISc बेंगलुरु में भी अच्छा पैकेज रहा है। तो VLSI जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैकेज जो है वो अच्छा दे के जा रहा है। अगर आप MSR के कोर्सेज के कैटेगरी में देखोगे तो MSR जो यहाँ पर ME है इसमें 7.5 के, कई बच्चे MS करना में भी ज्वाइन करते हैं, MS जो इलेक्ट्रिकल वाला है उसमें 12 के आसपास, और MS इन जो है स्पेस है उसमें 15 के आसपास पैकेज गए हैं। अब अगर हम बात करें गाइस कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं प्लेसमेंट के लिए और कितने स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर जितने प्लेस होते हैं उससे एक आइडिया लग जाता है कि कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हो रहा है। और गाइज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो PhD में चले जाते हैं, या फिर होता है कि कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट जब MTech कर रहे होते हैं इन बिटवीन उनका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, PSU में सिलेक्शन हो जाता है, या फिर किसी इसरो BRC DRDO इन सब में सिलेक्शन हो जाता है, तो उस केस में वो छोड़ के भी चले जाते हैं MTech। तो दैट्स व्हाई जो एक्चुअल कितने बच्चे प्लेस हुए हैं उसका पता चलता है कितने बच्चों ने प्लेसमेंट में पार्ट लिया और कितने बच्चे टोटल प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हर इसमें 4 में से 3 बच्चों का, 6 में से 2 स्टूडेंट, 7 में से 5 स्टूडेंट, यहाँ पर MSD में 7 में से 6 ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे एक दो बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर MSTS में 2 में से 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, MSE में 3 में से 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ME में 5 में से 3, यहाँ पे CEVIT जो कोर्स है 3 में से 2, ऐसे स्पेस में 4 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है, एक भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। कंप्यूटर साइंस में 8 में से 8 बच्चे को प्लेसमेंट हुआ है, ME में 6 में से 3, इलेक्ट्रिकल में 6 में से 1, और स्पेस में 2 में से 1। तो डेफिनेटली गाइज जैसे अगर आप कुछ कुछ डिपार्टमेंट देखो MSR वाले उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्लेसमेंट जो है कंप्यूटर साइंस का बेटर रहा है, बाकी ME और CE में लगभग हाफ और हाफ से कम ही प्लेसमेंट रहा है। तो एक आप अपने आप से आप जब डाटा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स के बारे में भी हमने पूछा है कि कौन कौन सी मेजर कंपनी IIT इंदौर में आई थी प्लेसमेंट के लिए। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है JL टेक्नोलॉजी इंडिया, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है BP ग्लोबल, ऐसे ही महिंद्रा TCSIN और भी बहुत सारी यहाँ पर आपको कंपनी देखने को मिल रही थी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऐसे ही 9 एजुकेशन अकेडमी, बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लेसमेंट वाली कंपनी जो है देखने को मिल रही है जिन्होंने इस साल प्लेसमेंट लिया है। आपको फिनसर देखने को मिल रहा है, KIET देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है इन्होंने मेजरली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने IIT इंदौर में विजिट किया है इस बार के प्लेसमेंट सीजन में, और IIT इंदौर का क्या प्लेसमेंट रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज प्लेसमेंट जो है वो डेफिनेटली बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है उसका डाटा भी दिया है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए और कितने बच्चे हुए हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सीट तो IIT में MTech की 15 भी होती है 30 भी होती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि काफ़ी सारे बच्चे जो ड्रॉप कर देते हैं और कुछ बच्चे जो है वो PhD वगैरह के लिए चले जाते हैं, तो इसके इन केस में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो वो जितने रजिस्टर्ड हुए हैं उससे आपको आइडिया लग सकता है कि कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हो रहा है। बाकी गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगला जो वीडियो है और किस IIT के बारे में चाहते हैं कि सर उसका भी आप डाटा प्रोवाइड करो, इस पर्टिकुलर IIT का भी RTI रिप्लेस प्लेसमेंट और बाकी डाटा इन्फॉर्मेशन निकलवा के हमें प्रोवाइड करो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस IIT पे चाहिए, हमें ट्राई करूंगा उन IIT से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का पार्ट बनिएगा, तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।